तो दोस्तों सर्जी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, जो आपका है वैकेंसी निकाला हुआ है और इसमें जो है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और आपका जो है सिविल का जो है अच्छा खासा वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स का इसमें जो है वैकेंसी नहीं है। तो जो लोग भी इन तीनों ब्रांच से आते हैं, आपके इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और आपका सिविल, वो जो है इसको सीरियस लेकर अपना तैयारी करें, क्योंकि इसकी जो सैलरी है बहुत ही अच्छा है और पोस्ट भी जो है आपका बहुत ही अच्छा है और वैकेंसी जो है लगभग मान के चलिए कि ये आपका 2 साल बाद आया हुआ है। इसके पहले 2017 में ये वैकेंसी आई हुई थी और ये आपका 2019 लास्ट में ये वैकेंसी आया हुआ है। तो जो लोग भी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के हैं उनको मालूम होगा कि आपका इसमें 100 नंबर जो होता है आपका नॉन टेक होता है और आपका 100 नंबर का जो होता है टेक्निकल होता है। तो ये 100 जो है आपका नॉन टेक है और जो आपका 100 जो है वो क्या है आपका टेक है। तो टेक तो आप अपना सब्जेक्ट तैयारी कर ही रहे हैं, उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। यहाँ पे नॉन टेक की हम लोग बात करेंगे। तो नॉन टेक में देखिए आपका जानते ही हैं कि उसमें जीएस, जीके, साइंस और आपका मैथ, रीजनिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका नॉन टेक वाला जो ये 100 नंबर का पोर्शन है, यहाँ पे मैक्सिमम जो है आपका ये कवर करा दिया जाएगा। 100 में आप मान के चलिए कि मिनिमम जो है आप 80-85 तक पहुंच सकते हैं यदि आप इस चैनल के थ्रू तैयारी करते हैं तो। क्योंकि इस चैनल की खासियत है कि टू द पॉइंट आपको बताया जाता है जो एग्जाम रिलेटेड होता है और आपको फालतू ऐसा कुछ नहीं बताया जाएगा जो कि पेपर में ना आए या फिर पेपर से कुछ उसका रिलेशन ना हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप नॉन टेक के लिए जो है इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और रेगुलर अपडेट जो है आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। और 100 नंबर के लिए आप ये चिंता छोड़ दीजिए, ये आपको यहाँ पे पूरा टॉपिक वाइज करेंट अफेयर आपका जो है, इसके बाद जो हिस्ट्री ज्योग्राफी का होगा ये भी आपको यहाँ पे करा दिया जाएगा और मैथ का भी जो सीरीज है जो अभी तक क्वेश्चन पूछा गया है वो यहाँ पे मैथ और रीजनिंग भी करवा दिया जाएगा आपको। तो इसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस डेली आप जो है देखते रहिए, ठीक है। तो और यहाँ पे मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल पे जो एक खासियत यही है कि इस पे कोई एक्स्ट्रा आलतू फालतू नहीं आपको बताया जाएगा, एग्जाम रिलेटेड ही यहाँ पे बात किया जाता है, ठीक है। और जो लोग भी टेक्निकल कितना भी तैयारी कर रहे हो तो उनको भी मान के चलिए कि नॉन टेक का जो है तैयारी करना ही पड़ेगा, विदाउट नॉन टेक यहाँ पे निकालना जो है पॉसिबल नहीं है। क्योंकि यदि आपका एक भी पोर्शन यदि वीक है तो मान के चलिए आज के डेट में जो है आपको एग्जाम निकालना बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। चाहे आप टेक्निकल कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना बना लें लेकिन नॉन टेक आपका सही नहीं है तो वहां पे आप मार खा सकते हैं। तो ये आप मत सोचिए कि हम टेक्निकल के बल पे जो है ये पूरा का पूरा जो है हम निकाल सकते हैं ये जो आपका एग्जाम है। तो ऐसा जो है जो लोग भी भरम पाले हुए हैं तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप नॉन टेक पे ही ध्यान दें, केवल टेक्निकल के लेवल पे नहीं हो पाएगा आज के डेट में, क्योंकि आप जान रहे हैं कि पॉइंट पॉइंट का जो है बहुत ज्यादा लफड़ा चल रहा है। यदि आप एक पोर्शन यदि नॉन टेक का भी एक पोर्शन छोड़ के जाते हैं तब पर भी आप मान के चलिए कि सिलेक्शन से बहुत ज्यादा दूर हो जाएंगे। इसीलिए आप पूरे नॉन टेक पे ध्यान दें और साथ में टेक्निकल पे भी ध्यान दें, दोनों पे जो है आप जो है बराबर ध्यान देकर चलिएगा तो आपका सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी जो है बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। तो देखिए आप जानते हैं कि जीके का जो है सीरीज आपका चालू हो गया है, मैथ का सीरीज आज यहाँ पे चालू किया जा रहा है और आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा तो इस सीरीज को जो है आगे और ज्यादा अच्छा बनाकर जो है पेश किया जाएगा। आज जो मैं सीरीज में लिया हूँ, आज मैथ की सीरीज में हम लिए हैं जो भी आपका 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, वो सारा क्वेश्चन लिया हूँ ताकि आपको एक मतलब आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन जो है किस टॉपिक से ज्यादा पूछा जा रहा है और किस टाइप का पूछा जा रहा है, ताकि आप उस टॉपिक को अच्छी तरह से कवर कर सकें और आप टू द पॉइंट पढ़ सकें, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो है आपका सीरीज है। इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही इसमें मैथ का जो लेवल है ठीक ठाक है, ऐसा ज्यादा लो भी नहीं है और ज्यादा आपका हाई भी नहीं है, मीडियम लेवल का ये क्वेश्चन सब है। तो उम्मीद करता हूं कि आप जो है एक बार इस क्वेश्चन को देखे रहिएगा तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए जो बोला जा रहा है आपसे कि इफ द सम ऑफ द टू नंबर इज 165, देयर एलसीएम इज इतना और एचसीएफ ये आपका 5 है, देन द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर, तो दो नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है। देखिए यहाँ पे आपको एक चीज मालूम ही होगा कि आपका जो है एक जो आपका एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड होता है वो आपका एक फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर
और इसके बाद जो होता है आपका एलसीएम और आपका एचसीएफ होता है। ये जो लोग एलसीएम एचसीएफ पढ़े होंगे उनको ये जरूर बताया गया होगा। अब देखिए यहाँ पे जो है आपका फर्स्ट नंबर की मैं बात करूं, सपोज कि हम एक्स ले लेते हैं और दोनों का सम जो है वो आपका कितना है 165 है, तो आप इसको ले सकते हैं 165 माइनस एक्स। और इसके बाद यहाँ पे एलसीएम जो है आपका 3 यानी कि 1300 और ये आपका एचसीएफ 5 है। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा ठीक है तो आपको जो है आएगा दो वैल्यू आएगी, एक एक्स इजकल टू जो है 100 आएगा और एक जो आता है आपका एक्स इजकल टू जो है एक जो वैल्यू आएगी आपकी वो आपके जो है 65 आएगा। ठीक है, इन दोनों का जब डिफरेंस देखिएगा तो आपका कितना आएगा 35 आएगा और यही आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए इसका जो इक्वेशन बनेगा आपका, तो आप इक्वेशन देखिएगा तो इसका जो आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 165x प्लस 6500 ठीक है इक्वल टू 0। अब इसी को आप जो है सॉल्व कर लीजिएगा ठीक है, एक्स और आपका दो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, एक आपका 100 और एक जो है आपका 65 मिल जाएगा। मैं जानता हूं कि इसको ब्रेक करने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगा ठीक है, 100 प्लस 65 आप ब्रेक इसको कर सकते हैं। आप जानते हैं कि मल्टीप्लाई करने पे जो है हमको 65 मिलना चाहिए और आपको यहाँ पे ऐड करने पे 65 मिलना चाहिए, 165 मिलना चाहिए और ये आपका गुणा करने पे जो है 6500 मिलना चाहिए जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये आपका जो है राइट आंसर होगा ठीक है। यहाँ पे ज्यादा पूरा डिटेल में जाने लगेंगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा दोस्तों, तो इसीलिए मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, बाकी आप जो है इक्वेशन बनाकर सॉल्व कर सकते हैं ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि द नंबर ऑफ द टर्म्स इन द सीक्वेंस कितना होगा, ये आपका एक सीक्वेंस दिया गया है। सबसे पहले आपको ये सीक्वेंस पता करना होता है कि ये सीक्वेंस किस सीरीज का है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रेशियो है आप जैसे कि 20/5 और आप देखिएगा यहाँ पे 80/ ये आपका 20, तो ये जो आ रहा है आप हर एक केस में देखिएगा तो ये 4 आ रहा है ठीक है, यानी कि ये जो सीरीज है वो आपका जीपी का सीरीज है ठीक है। और जीपी के लिए आप जानते हैं कि टीएन टर्म का जो आपका इक्वेशन होता है या फार्मूला होता है वो क्या होता है, ए आर के पावर एन माइनस 1 होता है। और यहाँ पे जो है ये आपका एंडिंग मतलब कि लास्ट टर्म होता है, तो ये आप कितना है यहाँ पे, तो ये आपका जो है 20480 है ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा तो ए जो होता है आपका फर्स्ट टर्म होता है जो कि आपका 5 है और आर की जो वैल्यू है वो आप देखिए ये रेशियो वाला जो जितना आता है वही उसका क्या होता है आर की वैल्यू होती है, तो ये आपका आर है ठीक है 4 और एन माइनस 1। आपसे क्या पूछा जा रहा है नंबर ऑफ टर्म, तो एन जो होता है यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ टर्म है, तो आप इसको इजिली निकाल सकते हैं। देखिए आप चाहे तो इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो 5×20 हो जाएगा और ये आपका जो है 48 है, तो ये आपका एक बार में नहीं जाएगा, तो 5×9=45 और ये 3 बचेगा तो 5×6=30, तो ये आपका 4096 हो गया। अब देखिए आप यदि जानते हैं तो आप 4 का जब करते जाइएगा तो ये 4×5 जो है 6 जो होगा ठीक है वो जो है इतने के बराबर हो जाएगा। चाहे तो आप 2 के टर्म में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको इजी लगे उस हिसाब से कीजिए। 2 के टर्म में भी कीजिएगा तो आपका आंसर राइट आएगा ठीक है। अब यहाँ से देख सकते हैं जब ये दोनों आपके बराबर हैं तो ऊपर वाले जो बेस होंगे मतलब बेस बराबर हैं तो ऊपर वाले पावर जो होते हैं इक्वेट कर सकते हैं हम लोग, तो एन माइनस 1 इजकल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और एन इजकल टू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर यहाँ पे दिया गया है। तो चाहे तो यहाँ पे आप 4×5 में देख सकते हैं या फिर आप एक रेफरेंस मानते ही हैं कि 2×10 की जो वैल्यू होती है 10×24 होती है, तो इस तरह भी करके जो है आप देख सकते हैं तो राइट आपका आंसर आ जाएगा ठीक है। तो क्वेश्चन करने के कई भी तरीके हो सकते हैं, जिसको मतलब जितना मतलब की रहता है प्रैक्टिस उतने अनुसार अपना कर लेता है। यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, तो इसमें बोला जा रहा है इन बायोगैस प्लांट द पॉपुलेशन ऑफ द ईस्ट बैक्टीरिया इंक्रीज एट द रेट ऑफ द 4% पर एनम, बट देयर इज एन एडिशनल एनुअल इंक्रीज ऑफ द 1% इन द पॉपुलेशन ड्यू टू वेरियस अदर इनपुट इन द सिस्टम ठीक है। द परसेंटेज इंक्रीज इन द ईस्ट पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर, तो आपका जो है 2 साल के बाद जो ईस्ट में जो ईस्ट की जनसंख्या है वो कितना परसेंट इंक्रीज करेगी वो आपको बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए हम सिंपल सी लेकर चल रहे हैं कि सपोज कि 100 है ठीक है और बोला जा रहा है कि 4% जो है आपका जो है ये इंक्रीज कर रहा है पर ईयर, तो 4% इंक्रीज करेगा तो ये कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा।
इसके अलावा ठीक है एक 1% और भी इंक्रीज किया जा रहा है ठीक है इनपुट सिस्टम की वजह से। तो यहाँ पे 1% इंक्रीज करेगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा फर्स्ट ईयर के बाद आपका जो है ये इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। आफ्टर दैट आप देखिएगा तो फिर इसका 4% आप निकालिएगा ठीक है। तो आप 4% इसका यदि निकालते हैं तो आप देखिए कितना हो जाएगा, या दो अंक के बाद जो है आप दशमलव डाल सकते हैं यहाँ पे, तो पंचों के 20 के 0 हाथ में लगा दो जो 4 और ये आपका 0, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और ये आपका 4 × 4 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखिएगा तो ये आपका दो स्थान के बाद यानी कि कितना हो जाएगा ये, तो ये आपका जो है इसमें ऐड कर दीजिएगा 4%, तो ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा 105 है और ये आपका 4.20 है, तो ये 109.20 हो जाएगा ठीक है। अब आपको ये भी चीज मालूम है कि 1% आपका एडिशनल भी है, तो 1% एडिशनल कितना हो जाएगा का 1.05 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.05 ठीक है। तो ये आपका ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5, ये 2 और ये आपका कितना हो जाएगा 9 × 10 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं इस वाले वैल्यू से, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ है, तो 100 से जो है 110.25 हो गया है, यानी कि इंक्रीमेंट कितना हो गया प्लस 10.25 का हो गया है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। तो ये एडिशनल जो है आपका जो है दोनों को हमेशा साथ में लेकर चलना पड़ेगा ठीक है। तो इस तरह से आप इजिली इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि द एवरेज ऑफ द 7 नंबर इज 30, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर ऑफ देम इज 23 एंड द लास्ट ऑफ देम इज 42, देन द फोर्थ नंबर इज। तो देखिए इसका सबसे सिंपल तरीका होता है कि आप जो है ये आपका एवरेज दिया गया है 7 नंबर का, तो देखिए 7 नंबर का एवरेज तो आप जानते हैं कि एवरेज क्या होता है ठीक है। तो यदि आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये क्या जाएगा सम मिल जाएगा आपको ठीक है। ये आपका 17 × 21 जो है 210 क्या हो जाएगा, ये सम होगा 7 नंबर का, ये सम हो जाएगा, क्योंकि एवरेज जो होता है क्या आपका टोटल ठीक है, या टोटल मतलब ऑब्जर्वेशन इक्वल बटे में कितना होता है कि नंबर ऑफ संख्या, नंबर ऑफ संख्या को आप एवरेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो सम दे देता है। तो ये आपका सम टोटल कितना हो जाएगा, यदि 7 नंबर का देखा जाए सम तो वो कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। इसमें बोला जा रहा है कि फर्स्ट 3, तो 3 का यदि देखा जाए एवरेज यदि 23 है तो आप 23 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 3 × 9 और 3 × 6 ठीक है, ये आपका सम हो जाएगा 3 नंबर का सम ठीक है, ये 3 नंबर का ये सम हो जाएगा। और इसके बाद लास्ट आपका जो 3 है तो लास्ट 3 का कितना है आपका 42 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 3 × 6 हो जाएगा और 4 × 3 = 12 ठीक है। इनको आप ऐड कर लीजिए तो ये 9 × 6 = 15 हो जाएगा, 6 × 2 = 8 = 9 हो जाएगा और ये आपका 195 हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लीजिए, यही आपका जो होगा आंसर हो जाएगा, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 15 है। तो ये एवरेज का क्वेश्चन है, इसके बारे में डिटेल हम लोग नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और इस टाइप क्वेश्चन बराबर आते रहते हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका यही है बेस्ट ठीक है, तो आप इजिली कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा क्योंकि आप थोड़ा बहुत मैथ पहले से पढ़े होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है ये क्वेश्चन जो है कि ये क्वेश्चन देखिए कुछ लोग शॉर्टकट में भी कर सकते हैं और इसका जो है बेसिक मेथड भी मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको अच्छा लगेगा वो आप मतलब कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि बोला जा रहा है कि कोई मतलब फ्लाइट है ठीक है, ए और बी के बीच जो है इसका उड़ान है और ये जो डिस्टेंस है ये आपका 1200 किलोमीटर का है, और बोला जा रहा है कि ड्यू टू मतलब कि आपका वेदरिंग खराब होने की वजह से इसको जो टाइम लग रहा है वो क्या लग रहा है, मतलब कि आधा घंटे ज्यादा लग रहा है क्योंकि इसका स्पीड जो है कम कर दिया गया है 200 किलोमीटर/आवर के हिसाब से ठीक है, जिसकी वजह से जो है इसको आधा घंटा और ज्यादा टाइम लग रहा है। तो पूछा जा रहा है कि ये जो ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट है ओरिजिनल स्पीड से यदि चलेगा तो आपका कितना मतलब होगा, ये चीज आपको बतानी है। तो देखिए यहाँ पे जो सिंपल तरीका जो बेसिक है आप एक बार समझने की कोशिश कीजिए ताकि आपको कभी भी आए तो बेसिक मेथड याद रहेगा तो आप इजिली कर सकते हैं। देखिए स्पीड की बात करें सबसे पहले तो यहाँ पे स्पीड सपोज की ये आपका स्पीड जो था वो आपका S1 था और यहाँ पे जो टाइम जो लग रहा था सपोज की वो टाइम जो है T1 लग रहा था, और अब जो है आपका जो है स्पीड जो कितना लग रहा है कि पहले से जो स्पीड था उससे जो है ये 200
आपका कम कर दिया गया है, सब किलोमीटर पर आवर में है, और यहाँ पे जो है आवर में है T1, मतलब कि T1 आवर, और यहाँ पे जो टाइम लग रहा है वो कितना है आपका, आधे घंटे ज्यादा लग रहा है, यानी कि 1.2 आवर, ठीक है। ये अब मतलब कि टाइम लग रहा है आपका, पहले कितना लग रहा था, ये लग रहा था आपका, अब जो लग रहा है नाउ, ये आपका इतना लग रहा है, और ये पहले ओल्ड है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जो डिस्टेंस है वो तो सेम है, तो जब डिस्टेंस सेम होगा तो इस केस में आपका क्या होगा कि दोनों का प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो आप जानते ही हैं कि जब S1 T1 इक्वल टू हम कर सकते हैं S1 200, और ये आपका जो है T1 प्लस ये आपका 1/2, ठीक है। अब इनको जो है आप सॉल्व कीजिएगा तो देखिए क्या आएगा, S1 T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका S1 T1 और ये आपका 200 T1, और इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका 1/2 S1, और इसके बाद ये कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा, और इस इक्वेशन के माध्यम से जो है आप इजिली क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि ये 200 है, ठीक है, और ये आपका 100 है, तो आप इसको इधर भेज सकते हैं, तो ये आपका 200 T और इसके बाद जो है ये आपका 100 और इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 S1 हो जाएगा। ये आपका एक इक्वेशन मिल गया। अब एक इक्वेशन आप यहां से बना सकते हैं कि आपका ओल्ड वाला जो है आपका जो 112 है, सॉरी ये 1200 जो है आपका डिस्टेंस, तो स्पीड इनटू टाइम, यहां से अब आपको टाइम निकालना है, तो आप इसको जो है टाइम की वैल्यू जो है यहाँ पे रख दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो है 1200/S1, तो यहाँ पे एक वैल्यू जो है आप पुट कर दीजिए, जैसे कि आपको 200 T प्लस 100 और यहाँ पे जो है 1/2 और S1 की वैल्यू जो है यहाँ से आप निकाले हुए हैं जो 1200 और आपका S1 ये जो है, तो अब जो है ये सॉरी T1 को सॉरी S1 की जगह पे ये आपको रखना है, तो S1 की जगह पे ये क्या हो जाएगा T1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है 1200 ये T1 हो जाएगा। अब जो है T1 की वैल्यू जो है डायरेक्ट आप यहाँ से पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं इस इक्वेशन की माध्यम से, ठीक है। तो ये तो मतलब कि एक अप्रोच रहा जो कि मतलब कि बेसिक अप्रोच है, इसको भी यदि आप फास्ट कीजिएगा तो इजिली हो जाएगा। एक अप्रोच ये होता है कि आप इसको एज्यूम कर लीजिए कि आपको जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, वो शॉर्टकट मेथड होता है कि सपोज कि एक घंटे लग रहा है, और इसके बाद जो है आप उसको कीजिए और मिलाइए कि किस तरह से ऑप्शन से भी जाइए, उसमें भी आपको ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, कि आप ऑप्शन ले रहे हैं देख रहे हैं आधे घंटे का अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे सपोज कि मान लीजिए कि हम टाइम जो ले रहे हैं ये 1.5 आवर ले रहे हैं, कि ओरिजिनल जो है आपका टाइम 1.5 है, तो उसके हिसाब से यदि हम देख रहे हैं टाइम जो लगेगा हमारा 1200 किलोमीटर को ट्रेवल करने में जो टाइम लगेगा 1.5 है यहाँ पे, ठीक है, तो 1.5 तो ये आपका 0 ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये 15/8 है, तो ये आपका जो है ये 800 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ये यहां से निकल जाएगा। अब देखिए यदि बोला जा रहा है कि ये जो आपका जो स्पीड है, ये जो आपका स्पीड है ये इतना निकल जाएगा, क्योंकि टाइम आपको हमने यहाँ से ले लिया ऑप्शन से, और बाकी ये जो है डिस्टेंस दिया गया था उसके अनुसार निकाल लिया। अब जो है आपको टाइम अब का जो निकालना होगा, अब दोनों में देखना होगा कि आधे घंटे का अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया गया है कि आधे घंटे का अंतर आना चाहिए। तो 800 स्पीड आया है, 200 मतलब कि कम कर दिया जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। अब आप जो यहाँ पे देखिएगा तो 1200 है आपका, और स्पीड 200 घटाने के बाद ये कितना हो गया है 600 हो गया है, तो इसको जो है आप कैंसिल आउट कर दीजिए, तो यहाँ पे कितना है 2 आवर आ जाएगा। और इसके बाद जो है आप मैच कर सकते हैं कि इन दोनों के टाइम के बीच के अंतर जो है आधे घंटे का आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए ओरिजिनल आपका कितना लग रहा है 1.5 घंटा, और ये आपका जब रिड्यूस कर दिया गया स्पीड तो कितना लग रहा है 2 घंटा, यानी कि दोनों के बीच का अंतर कितना है आधे घंटे का है। तो इस तरह से आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ऑप्शन से कीजिएगा तो थोड़ा टाइम आपका बचेगा, और आप बेसिक से कीजिएगा तो थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा। तो वो जो है आप मतलब कि जितना जल्दी ऑप्शन छांट सकते हैं उतना जल्दी ही आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि द नंबर ऑफ द टर्म्स इन द सीक्वेंस, आपका ये एक सीक्वेंस दिया गया है और नंबर ऑफ टर्म पूछा जा रहा है। तो देखिए एक जीपी की सीरीज आपका जो है अभी पहले बना हुआ था, इस सीरीज को देखिएगा तो आप देखिए 5-5 का जो है अंतर है, यानी कि ये एपी की सीरीज बन रही है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, और इसका जो है टीएन टर्म का जो आपका फार्मूला होता है वो क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, और टीएन की वैल्यू जो यहाँ पे दी है लास्ट टर्म कितना है आपका 140 है, ए की वैल्यू कितनी है 20 है, प्लस एन
की वैल्यू निकालनी है आपको, ये आपका और डी की वैल्यू अंतर जो है डिफरेंस जो है कितना है 5 है। इसके बाद इसको कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए आपका ये 5n-5 हो जाएगा, 5 इस कर दीजिएगा तो ये 125 हो जाएगा। जब इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 आ जाएगी। तो यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि इफ 3 साइड ऑफ द ट्रेंगल इज गिवेन, ठीक है ये दिया गया है, देन द एरिया ऑफ द ट्रेंगल। तो जब भी इस टाइप से जब आपको कोई दिया रहता है ठीक है, तो सबसे पहले आप दिमाग को एक बार ट्रिगर कीजिए कि ये कहीं आपका ट्रायड तो नहीं बन रहा है, ठीक है ठीक है। तो वहां पे जो है आपका जब बनता है, तो यदि आपका ट्रिपलेट जब बनता है ठीक है, तो उस केस में आपको मालूम है कि जो है जो ट्रेंगल होता है वो क्या होता है आपका समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है। तो इस केस में आपको ये चीज ऑब्जर्व करना पड़ता है, क्यों जो लोग ट्रिपलेट पढ़े हैं उनको मालूम होगा। तो आप जानते हैं कि एक 3, 4 और 5 का जो है ट्रिपलेट बनता है। तो यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे ये 4 से मल्टीप्लाई जो है सब में हो रहा है, ठीक है, और इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये आपका कितना हो जा रहा है 20, ये आपका 16 और ये आपका 12 हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो है आपका 3, 4 और 5 का है त्रिभुज यही वाला है, और इसमें जो है 4 का सब में मल्टीप्लाई हुआ है, यानी कि इसके आपका रेशियो में कोई अंतर नहीं आया है, ठीक है, आपका ये समकोण ही त्रिभुज है बस। तो यहां से देखिए अब आप इजीली निकाल सकते हैं कि 1/2 आधार, आधार आप देख सकते हैं ये आपका 16 हो जाएगा और आपका लंब कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसको आप जो है कैंसिल आउट कर सकते हैं 6 बार में, तो ये आपका कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा cm स्क्वायर। एक तो तरीका ये होता है। दूसरा तरीका आपका ये होता है कि आप जो है हीरो के फार्मूला का यूज कीजिए, इसके बाद निकालिए जो ये वाला होता है s-a, s-b और s-c। तो ये थोड़ा सा मतलब लेंथी हो जाता है, और मान लेते हैं कोई दूसरा ऑप्शन ट्रिपलेट नहीं बनता है तो उस केस में हम लोग ये वाला यूज करते हैं, s=a b c/2 होता है। तो ज्यादातर जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है तो आप मान के चले कि ट्रिपलेट बन ही जाता है, समकोण त्रिभुज जो है बन ही जाता है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो आप उसको इजिली कर सकते हैं 1/2 आधार गुणे शीर्षलंब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। इसमें देखिए बोला जा रहा है कि आपका स्मिता इन्वेस्ट 2000 फॉर द 6 मंथ एट द 20% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, ध्यान दीजिएगा क्वार्टरली बोला जा रहा है, द टोटल अमाउंट सी गेट्स आफ्टर द 6 मंथ। तो 6 महीने के बाद उनको कितना पैसा मिलेगा वो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्वार्टरली है, ठीक है, यानी कि उनको साल भर में जो है 4 बार जो है मतलब कि इंटरेस्ट मतलब कि कंपनी दे रही है या जो भी बैंक है वो दे रहा है जहां पे इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, ये मिस्टर है। तो यहाँ पे जो है जो आपको जो है इन्वेस्ट कितना है 2000 है, ठीक है, तो ये आपका 2000 हो गया। अब देखिए टाइम और रेट में क्या अंतर आएगा, तो टाइम जो होगा आपका तो वो आपका 4 गुना हो जाएगा, और ये जो है आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा आपका मतलब डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, तो ये आपका 5% हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 24 आपका मंथ होगा। अब इसको ईयर में कन्वर्ट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा ये 2 ईयर हो जाएगा। अब देखिए जो लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को थोड़ा फास्ट करते हैं उनको मालूम होगा कि 2 साल के लिए जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है, ये इंटरेस्ट का रेशियो होता है, ठीक है। अब यहाँ पे यदि 3 ईयर का होता है तो वो 3:3:1 का होता है, इसी तरह 4 ईयर का होता है 4:6:4:1 का होता है, इससे थोड़ा फास्ट होता है और कुछ नहीं है, आप जिस भी मेथड से करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन ये वाला जो है रेशियो वाला जो होता है बहुत फास्ट होता है। अब देखिए आपको जो है परसेंटेज यहाँ पे जो है लेना है कितना है 5% लेना है, तो 5% आप इसका लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका ये आपका 100 हो जाएगा, और इसके बाद फिर इसका आप 5% लीजिए, ठीक है, तो ये आपका 5% कितना हो जाएगा, ये आपका 5% 5 हो जाएगा, इनको प्रोडक्ट के आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और ये कितना है तो ये 205 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अमाउंट पूछा जा रहा है तो आपका इंटरेस्ट जो है इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये आपका 2000 था प्लस ये 205 ऐड जो कि इंटरेस्ट है, तो ये आपका 2205 जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप बस इसमें रेशियो याद रखिएगा तो बहुत फास्ट होता है, ये बहुत फास्ट मेथड है। इसके अलावा आप फार्मूले से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको अच्छा लगे उस मेथड से कीजिए, जो थोड़ा फास्ट है उसको ज्यादा अपनाइएगा तो पेपर में आपको बेटर रहेगा। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, बोला जा रहा है कि पाइप ए कैन फिल द टैंक 4 टाइम्स फास्टर देन द पाइप बी,
If the pipe A and the B together fill the tank in 28 minutes, the pipe B alone can fill the tank. तो पाइप B जो है अकेला यदि फिल करेगा तो कितना टाइम लगेगा? तो यहाँ पे देखिए इफिशियंसी जो दी गई है वो रेशियो देखिए क्या है कि इफिशियंसी बोला जा रहा है एक जो है वो आपका 4 टाइम फास्टर है B से, तो ये 4:1 है, यानी कि ये यदि एक यूनिट भर रहा है तो ये एक मिनट में चाहे एक घंटा में जो है ये आपका 4 यूनिट भर रहा है। यूनिट के कंसेप्ट से इसको चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है बोला जा रहा है कि ये दोनों यदि मिल जा रहे हैं तो 28 मिनट में जो है पानी को मतलब टंकी को पूरी तरह से भर दे रहे हैं, यानी कि यदि हम देखें एक मिनट इफिशियंसी जो होती है वो हमेशा एक मिनट में कैलकुलेट की जाती है कि एक मिनट में कौन कितना काम करता है वो उसकी इफिशियंसी होती है। यदि यहाँ पे मैं बात करूँ थोड़ा समझाने के लिए तो एक मिनट में ये जो है एक यूनिट भर रहा है और ये जो है एक मिनट में 4 यूनिट भर रहा है, तो ये एक मिनट में देखा जाए तो ये जो है 5 यूनिट भर रहे हैं। तो इस तरह से यदि 28 मिनट की मैं बात करूं आपसे 28 मिनट की, तो ये आपका कितना हो जाएगा 28 × 5 हो जाएगा, तो आप ये देखिएगा तो ये 20×5 = 100 हो जाएगा और आपका 8×5 = 40 हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा 140 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 140 यूनिट टोटल आपका वर्क हो गया जब ये दोनों लोग मिलकर काम किए 28 मिनट तक काम किए, तो जो है आपका ये इन्होंने कितना भरा 140 यूनिट भर दिए। अब बोला जा रहा है कि बी, ठीक है, तो बी की हम इफिशियंसी देखेंगे तो यहाँ पे जो है ये एक मिनट में जो है कितना भर रहा है, ये एक यूनिट भर रहा है, तो 140 यूनिट भरने के लिए इसको कितने मिनट टाइम लगेंगे, तो एक से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 140 मिनट इसको लगेंगे टंकी को फिल करने में। ठीक है, अकेला आदमी भरे तो अभी पूछता है कि बी को कितना लगेगा, तो देखिए 140 टोटल यूनिट है, आप देख रहे हैं कि ये 4 जो है ये भर रहा है, तो आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4×3 = 12, और इसके बाद जो है आपको यहाँ पे जो बचेगा 2 और ये 0, तो कितना हो जाएगा 4×5 = 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये यानी कि 35 मिनट लगेगा। तो यहाँ पे जो है बी के बारे में पूछा जा रहा है, यदि ए के बारे में पूछा था तो 35 मिनट होता और बी का जो है आपका 140 मिनट होगा। तो इफिशियंसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते रहते हैं आपके पेपर में, इसको भी जरूर आप देखिएगा। इसके बाद यहाँ पे यदि मैं बात करूं तो देखिए आपका जितना भी टॉपिक है, जैसे कि आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया, वर्क डन हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, एलजेब्रा का कुछ पोर्शन हो गया, ठीक है, जो कि इक्वेशन रिलेटेड जो है आपका, और इसके बाद जो है आपका ये जो सिंप्लीफिकेशन है, इतना चीज तो आप कर ही के जाइए, क्योंकि ये सारे टॉपिक जो है आपके एग्जाम रिलेटेड हैं और इन सारे टॉपिक से जो है क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, परसेंटेज से भी क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं, ये जो क्वेश्चन दिया गया है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि एक ट्रेन है जो कि 130 मीटर लॉन्ग है और वो जो ट्रेवल कर रही है आपका 72 किलोमीटर/आवर से कर रही है, तो वो एक ब्रिज को जो है 30 सेकेंड में पार कर जा रही है, तो लेंथ ऑफ द ब्रिज, तो ब्रिज का लेंथ सपोज एक्स है, ठीक है, अब एक्स मीटर में हम ले रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सब मीटर में दिया गया है, और यहाँ पे जी आपका ट्रेन का जो लेंथ है 130 दिया गया है, और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं स्पीड जो है वो किस में दी गई है आपकी, किलोमीटर/आवर में दी गई है, इसको आप जो है मीटर/सेकेंड में चेंज कर लीजिए 5/18 से मल्टीप्लाई करके, तो ये 78 × 72 हो जाएगा आपका। ठीक है, और ये जो है 30 सेकेंड में जो है पार कर रही है ट्रेन, तो अब जानते हैं ये आपको कि यहाँ पे देखिएगा तो ये कितना होगा 5×20 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा × 30, तो ये आपका कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है आपका एक्स प्लस आपका 130, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, तो ये 470 आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसको माइनस कीजिएगा तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन भी आते रहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो मिस्टर राज है डिवाइड द 1573 such that 4 times of the first shares, thrice times of the second share and the twice times of the third share amount equal, ठीक है, सेम है, तो उस केस में जो है सेकेंड का शेयर आपको बताना है, तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको फोर सपोज की मान लेते हैं शेयर ए, यानी हम ले लेते हैं कि फर्स्ट जो है उसको हम ए लेते हैं, तो ये 4 टाइम्स ऑफ शेयर ए, और आपका जो है सेकेंड को हम बी लेते हैं तो थ्राइस टाइम्स ऑफ द शेयर बी, और आपका हम थर्ड को सी ले रहे हैं तो ट्वाइस टाइम्स ऑफ द सी। ये आपका आंसर मतलब कि क्वेश्चन में दिया गया है, आपको सेकेंड का शेयर बताना है, तो जब भी इस टाइप से दिए तो सबसे पहले आपका निकालिएगा रेशियो निकाल लीजिए। अब रेशियो निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं जो तरीका यूज करता हूँ थोड़ा सा ये आप देख सकते हैं कि आप 4 = आप 3b कर सकते हैं, तो ए और बी का जो रेशियो निकलेगा वो कितना हो जाएगा 3:4 आ जाएगा,
और इसी तरह इन दोनों को जब आप इक्वेट कीजिएगा एक बार, तो बी और सी का जो रेशियो आएगा वो क्या आ जाएगा, 2:3 आ जाएगा। इसके बाद ए बी सी का जो है रेशियो आप इजिली निकाल सकते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, 3:4 और आपका ये 2:3, तो आप देखिएगा तो 6 और ये आपका 8 हो जाएगा और ये चतुर्थ 12 हो जाएगा। और एक बार फिर से इसको कंसील आउट कीजिएगा, 2×3 6, 2×4 8 और ये 2×6 12 हो जाएगा। ये आपको ये और ये मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो ये 3×2 6, 4×3 12, 4×2 8, तो ए बी सी का जो है रेशियो जो है आपको यहाँ पे मिल चुका है। अब इसके साथ आप निकाल सकते हैं कि कितना होगा, तो देखिए बी का रेशियो कितना है, 4 है, और ये टोटल कितना है, 6×4 10, 10×3 13 है, और यहाँ पे जो दिया गया है वो कितना है, 1573 है। इसी को डिवाइड करना है, तो बी का पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो 13×13 यहाँ पे बचा 2, 27, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 13×2 26, एक और बचा तो यहाँ पे आपका 121 हो जाएगा। इसके बाद जो है आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 121 को आप 4 से, तो ये 400 डायरेक्ट हो जाएगा, और 21×84 यहाँ पे हो जाएगा, तो ये 484 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह यदि आपको जो है ए का पूछता तो क्या करते हैं कि 3y आपका 13 हो जाता और ये आपका 1573 हो जाता, तो ये आपको 121 तो पहले से ही मालूम है, तो आप इस तरह से निकाल सकते थे कि 300 ये हो जाएगा और ये 63 हो जाएगा, तो ये 363 हो जाएगा। तो आप हर एक का शेयर निकाल सकते हैं जिसका भी शेयर पूछे आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका 12% ऑफ 40 और आपका जो है x इक्वल टू इतना है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ कि आप इसको इजीली कर सकते हैं। ये परसेंटेज वाइज क्वेश्चन है आपका, तो ये आपका 12 ये दिया गया है, सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। ये बस सॉल्व करने का है, यहाँ पे x की वैल्यू पूछी जा रही है और ये आपका जो है इंटू में है, इक्वल टू 84 है, तो आप देख सकते हैं कि मतलब कि यहाँ पे केवल x की वैल्यू है, तो आप सॉल्व कर सकते हैं, 1750 आपको मिल जाएगा। तो इसको ज्यादा टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि मिस्टर कमल रो अबाउट विद द स्टीम ऑफ 6 km/h एंड अगेंस्ट द स्टीम इज 8 km/h इन स्टील वाटर। पूछा जा रहा है इन स्टील वाटर हिज रेट ऑफ रोइंग इन द किलोमीटर पर आवर कितना होगा, यानी कि स्टील वाटर में किस रेट से जो है वो मतलब कि फ्लो कर रहा है बोट, ये चीज आपसे पूछी जा रही है। तो देखिए यहाँ पे जो है आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पे जो है आपको दिया गया है कि यदि स्ट्रीम के साथ यदि मतलब कि वो अपने बोट को चला रहा है, तो उस केस में जो है स्पीड कितनी है, यानी कि ये जो है आपका स्ट्रीम, ये बोट का स्ट्रीम और ये आपका जो है स्ट्रीम का स्पीड, तो इस केस में जो है 16 km/h के हिसाब से जा रहा है। और यदि अगेंस्ट स्ट्रीम चल रहा है, यानी कि आपका ये अप स्ट्रीम कितना है, अप अपकमिंग, और ये आपका जो है, तो इस केस में जो है डाउन अप स्ट्रीम में कितना है आपका, 8 km/h जो है दिया गया है। तो आप जानते हैं कि यदि स्टील वाटर के पूछ रहा है, तो स्टील वाटर में क्या होता है आपका, तो ये आपका बोट का पूछता है, तो आप दोनों को यदि ऐड कीजिएगा तो 2SB = कितना हो जाएगा, ये आपका 24 हो जाएगा, और SB = जो होगा वो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 km/h। लेकिन ये आपको कहीं भी ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यदि आप देखिएगा कि स्ट्रीम का स्पीड, तो स्ट्रीम का स्पीड जो होता है आपका, ये दोनों का अंतर होता है, यानी कि 16 - 8/2, क्योंकि इसको घटाना पड़ता है, तो आपको ये इजिली इसी इक्वेशन से, तो ये 8/2, तो ये कितना हो जाएगा, 4 km/h, तो ये राइट आंसर जो होगा ये आपका स्ट्रीम का होगा, ठीक है। ये बोट का जो है मतलब 12 km/h रहेगा, लेकिन स्ट्रीम का देखिएगा तो ये 4 km/h रहेगा, तो ये आंसर को जो है बाद में जो है सुधारा गया होगा यहाँ पे, या तो इग्नोर किया गया होगा, ठीक है, तो या फिर सबके लिए मतलब नंबर दे दिया गया होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका वो 12 होगा, जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसको जो है आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपको मालूम होगा कि SP की जो वैल्यू होती है वो इसी इक्वेशन से निकालते हैं, SB + SC/2, और SC की जो वैल्यू होती है स्ट्रीम का, वो SB - SC/2, ये भी जो है इसी इक्वेशन से निकलता है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के इक्वेशन से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे हम आपसे, तो देखिए यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है किसी न किसी फॉर्म में। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए गेट में भी क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है कि आपसे जो है मतलब कि एक इक्वेशन दी गई है और बोला जा रहा है कि
यदि मान लेते हैं कि रूट जो है आपका मतलब रेसिप्रोकल कर दिया जाए, कहीं कहीं थ्योरी में पूछ लिया जाता है और कहीं कहीं मतलब कि डायरेक्ट मैथमेटिकल टर्म में दिया जाता है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे रूट जो है एक्स वन और एक्स टू है, और जो न्यू इक्वेशन की बात की जा रही है उसमें जो है आपका रेसिप्रोकल है। तो जब भी आपका रूट रेसिप्रोकल होता है तो हमेशा याद रखिएगा ए और सी का जो पोजिशन होता है आपस में चेंज हो जाता है, इससे होगा क्या कि आपका टाइम सेव होगा, ठीक है। और इसको थ्योरी के फॉर्म में भी कभी कभी पूछा जाता है, कभी कभी जो है आपका डायरेक्ट मैथमेटिकल टर्म में भी पूछा जाता है, जैसे इस वाले मैथमेटिकल टर्म में दिया गया है। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे यदि हम बात करें इससे, यदि हम कंपेयर करें तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू हो जाएगी, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थ्री हो जाएगी। अब न्यू इक्वेशन जो बनेगी आफ्टर मतलब रेसिप्रोकल, तो वो क्या बनेगा आपका, तो यहाँ पे देखिए जो है यहाँ पे जो आ जाएगा सी की वैल्यू आएगी, ए और सी को आप इंटरचेंज कीजिए, तो ए और सी को कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू एज इट इज रहेगी जितना है, और यहाँ पे जो है ए की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू कितनी है टू है इक्वल टू जीरो, और यही आपका राइट आंसर होगा जब भी रेसिप्रोकल की बात की जाती है। तो ये आप राइट आंसर देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा जो है उस तरह से कीजिएगा रूट निकाल के, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, जो इक्वेशन बनता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू प्लस आपका अल्फा इंटू बीटा, तो टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बराबर पूछा जाता है, तो इसको जो है आप याद ही रख लीजिए। ए और सी की वैल्यू जो होती है हमेशा आफ्टर चेंज कर दिया जाता है जब रेसिप्रोकल का रूट होता है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे हम आपसे, तो देखिए यहाँ पे जो पूछा जा रहा है आपसे कि इफ द टू इज एडेड टू द डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर इट बिकम 1 बाई टू, एंड इफ द 4 इज एडेड टू द न्यूमिनेटर इट बिकम 1 बाई 4, देन द सम ऑफ द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर सपोज कि मैं एक ले रहा हूँ कोई, सपोज कि x और y ये कोई एक रेशनल नंबर है, यहाँ पे दो आपके इक्वेशन बनेंगे, एक तो आपका बोला जा रहा है कि डिनोमिनेटर में यदि हम सपोज दो ऐड कर रहे हैं तो इस केस में जो ये रिजल्ट हो रहा है वो क्या है हाफ हो जा रहा है, तो यहाँ से देखिएगा तो ये आपका 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा y प्लस 2 आ जाएगा, एक इक्वेशन ये बन गया। सेकेंड इक्वेशन बोला जा रहा है कि यदि ये रेशनल नंबर है और इसमें जो है 4 आपका न्यूमिनेटर में ऐड किया जा रहा है, ठीक है यहाँ पे, और तो ये जो हो जा रहा है 1 बाई 4 हो जा रहा है, तो यहाँ से यदि आप देखिएगा तो ये 4x प्लस ये आपका 16 इक्वल टू y हो जाएगा। अब ये इक्वेशन दो हो गया, इक्वेशन दो में y की वैल्यू जो है यहाँ पे आप पुट कर दीजिए डायरेक्ट, तो यहाँ पे देखिए 2x, y की वैल्यू कितनी है 4x प्लस 16 है और ये प्लस 2 है, तो ये देखिए 4x है और ये 2x है, तो आप माइनस 2x इक्वल टू कितना कर सकते हैं यहाँ पे 18 कर सकते हैं, और ये आप कैंसिल आउट कीजिएगा तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 9 हो जाएगा। अब किसी एक इक्वेशन में आप इजिली पुट कर दीजिए, जैसे यहाँ पे हम पुट कर ले रहे हैं तो ये माइनस 9 यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा ये माइनस 36 हो जाएगा, प्लस 16 करेंगे इक्वल टू y, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी, यानी कि आपके पास जो आया हुआ है वो आपका 9 और ये कितना आया है आपका माइनस 20 आया हुआ है, इनका सम यदि देखा जाए तो वो कितना हो जाएगा, तो माइनस 9 और ये माइनस 20, तो ये कितना हो जाएगा आपका 29 हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 29 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे हम आपसे, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, ये बोला जा रहा है कि एन आर्मी ऑफ आपका 1500 मेंस हैज द प्रोविजन फॉर द 50 डेज आफ्टर 10 डेज ड्यू टू द इंजरीज सम ऑफ देम लेफ्ट एंड द फूड टू वेयर नाउ एनफ फॉर द नेक्स्ट 15 डेज फॉर द रिमेनिंग मैन द नंबर ऑफ द मैन लेफ्ट इज, तो कितने मैन जो है वहां से लेफ्ट किए हैं वो चीज आपको निकालनी है। पहले देखिए क्या था कि 1500 आदमी थे वहां पे, 50 दिन के लिए जो खाना था टोटल यदि हम बात करें तो ये आपका कितना हो जाएगा आपका 15 बचे 75 और यहाँ पे 30 लगा दीजिए, तो ये आपका इतना यूनिट खाना था वहां पे, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि 10 दिन के बाद, यानी कि 10 दिन तक तो जितने आदमी थे 1500 के 1500 ये 10 दिन तक काम किए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका 15 ये जो है 30 लग जाएगा, यानी कि ये जो है आपका 15000 मतलब कि यूनिट जो है खर्च हो चुका है, 75000 टोटल यूनिट है जिसमें कि 15000 खत्म हो गया है। रिमेनिंग की यदि मैं बात करता हूँ तो वो हमारे पास कितना बचा है, वो आपका मतलब कि 60000 बचा हुआ है रिमेनिंग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि कुछ दिक्कत आई जिसकी वजह से क्या हुआ कि कुछ लोग छोड़ के चले गए, सपोज कि 1500 लोग थे और इसमें से एक्स मतलब कुछ लोग जो है छोड़ के चले गए, और बोला जा रहा है कि ये जो खाना बचा हुआ है वो कितने दिन के लिए है, 50 दिन के लिए है,
तो ये आपका ये 50 दिन के लिए ये बचा हुआ है, ठीक है। तो दोनों तरफ हमने क्या किया, यूनिट को इक्वेट कर दिया। अब यहाँ से आप इजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आप देखिएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 60 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा, और ये 3 जीरो जो है इस पे आप लगा सकते हैं, तो ये आपका 50x हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखिए ये आप यहाँ पे देख रहे हैं ये माइनस में है, तो ये आप कैंसिल आउट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 15,000 हो जाएगा, और ये आप इसको 50 से डिवाइड कर सकते हैं, इक्वल टू एक्स हो जाएगा, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 5 × 15 ये आपका 300 राइट आंसर आ जाएगा। यानी कि जो मैन मतलब कि बाहर किए गए हैं वो कितने किए गए हैं आपका 300 हुए हैं, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और भी तरीका है लेकिन ये तरीका थोड़ा सा हमको अच्छा लगता है, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे हम आपसे, तो यहाँ पे देखिए जो बोला जा रहा है आपसे कि ये कोई नंबर है वाई जो कि मतलब कि एक्स से 30% ज्यादा है, तो मान लेते हैं एक्स जो है आपका 100 है और वाई जो है आपका कितना है 30% ज्यादा है, तो 130 होगा। अब बोला जा रहा है कि जो आपका मतलब एक्स है वो वाई के कंपेयर में कितना परसेंट जो है वो कम है, तो आप देख रहे हैं दोनों में यदि अंतर देखा जाए तो कितना का है, 30 का अंतर है, और कंपेयर किससे किया जा रहा है, तो ये वाई से किया जा रहा है इंटू 100। तो इसको जो है आप सॉल्व कीजिएगा तो एक ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका 300 बाई आपका 13 हो जाएगा, और ये राइट आंसर जो है इसको आप मैच कीजिएगा ऑप्शन से, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं परसेंटेज बेस्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ यहाँ पे आपसे, यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप जो है ऑप्शन से भी जा सकते हैं, आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट आउट करिए और देखिए कि इक्वेट करके कि मतलब बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक तो आप ऑप्शन, और दूसरा जो है आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या है, सपोज कि आप इसको जो है अंडर रूट 5 है यहाँ पे, और ये आप देख रहे हैं कि 2x + 7 है, और यहाँ पे जो है आपका अंडर रूट 5 है यहाँ पे एक्स प्लस आप 4 है, तो आप जानते हैं कि यहाँ पे जो है आपका बेस बराबर है, तो पावर जो होगा मतलब जिस अनुसार से होगा ऊपर जाएगा तो वो घट जाएगा, तो 2x - x ये x हो जाएगा, ये 7 - 4 ये कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, और ये आपका 5 है, तो हम अंडर रूट 5 इंटू आपका पावर कर सकते हैं 2। अब देखिए यहाँ पे बेस जो है दोनों सेम है, तो हम पावर को इक्वेट कर सकते हैं, तो x + 3 = 2, तो x = कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, और जो कि आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन से भी जाने में कभी कभी मतलब कि इजी रहता है, कभी कभी टफ भी हो जाता है, तो वो क्वेश्चन के अनुसार डिपेंड करता है। यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि मिस्टर शिवा इन्वेस्टेड इक्वल अमाउंट ऑफ द मनी इनटू द 2 प्राइवेट फर्म विच गिव द 15% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम फॉर द 3.5 ईयर एंड द 5 ईयर रिस्पेक्टिवली। इफ द डिफरेंस इन देयर इन इंटरेस्ट इज आपका 225 है, देन द अमाउंट इन्वेस्टेड बाई द मिस्टर शिवा कितना है, तो इन्होंने कितना इन्वेस्ट किया है ये चीज आपको बतानी है। तो देखिए यहाँ पे जो है सिंपल सा है, डिफरेंस आपको दिया गया है सिंपल इंटरेस्ट का, तो हमको भी सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस बस निकाल लेना है। एक 5 साल की बात की जा रही है और एक आपका मतलब कि 3.5 साल की बात की जा रही है, सिंपल इंटरेस्ट दोनों का सेम है और अमाउंट भी यहाँ पे जो है आपको सेम दिया गया है। तो आप देखिएगा 5% की यदि हम बात करें यहाँ पे, तो ये आपका रेट हो गया, सॉरी टाइम हो गया, और रेट जो है आपका कितना है 15 है, और आपका जो है यहाँ पे हम जो प्रिंसिपल है वो हम मान लेते हैं x है और y 100, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा ये आपका 3.5 के लिए है और ये आपका 15 का 15 ही रहेगा, और यहाँ पे ये 100 और अमाउंट भी यहाँ पे x है, और ये जो है अंतर जो दिया गया है वो कितना का दिया गया है, 225 का दिया गया है, तो आप इसको इजिली निकाल सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा बाई 100 हो जाएगा, और इसके बाद जब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा 52.5/100 आ जाएगा, और इसके बाद ये 225 इन दोनों का डिफरेंस आप देख लीजिए, तो डिफरेंस जो आएगा आपका वो आपका मतलब कि 22.5 का आएगा डिफरेंस, और 100 को इधर भेज दीजिए आप, तो ये कितना हो जाएगा आपका 225 और 00, तो इस तरह से आप जो है इसको कैंसिल आउट कर दीजिएगा, तो ये आपका राइट जो आंसर आएगा एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा 1000 यानी कि 1000 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कैलकुलेशन है, बाकी तो मेन यही है कि आखिर कहना क्या चाह रहा है। नेक्स्ट की बात करते हैं यहाँ पे हम आपसे, तो यहाँ पे बोल रहा है कि ए कैन फिनिश द वर्क इन 15 डेज, बी कैन फिनिश इन 30 डेज,
इफ द बोथ वर्क टूगेदर फॉर द 5 days एंड द बी लीव द मतलब वर्क, हाउ मेनी डेज विल ए टेक टू कम्प्लीट द रिमेनिंग वर्क, यानी कि ए को यदि करना हुआ तो वो मतलब रिमेनिंग वर्क को कितने दिन में करेगा। तो देखिए ए जो है आपका यदि सीरियसली कर रहा है तो ये 15 दिन में कर रहा है, बी जो है इसको 30 दिन में कर रहा है। यूनिट वाइज बात करेंगे तो टोटल यूनिट 30 हम मान लेते हैं, तो ये 15 गुना के 30 और ये आपका 30, यानी कि ये एक दिन में आपका 2 यूनिट कर रहा है और ये जो है एक दिन में 1 यूनिट कर रहा है। और बोला जा रहा है कि ये दोनों यानी कि ये 3 यूनिट दोनों मिलके एक साथ करेंगे, 5 दिन तक काम करते हैं, तो यानी कि 15 यूनिट ये काम करे होंगे 5 दिन में। रिमेनिंग यूनिट कितना बचा, तो 30 में से आप 15 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब ये 15 जो बचा हुआ है कौन करने के लिए, बोला जा रहा है कि भाई जो रिमेनिंग बच रहा है वो ए कर रहा है, तो ए जो है एक दिन में कितना कर रहा है भाई, तो 2 यूनिट कर रहा है, तो 15 यूनिट करने में उसको कितना टाइम लगेगा, तो आप 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो ये 7.5 आपको डेज लगेंगे उसको करने में। तो ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है, बस आपको एक बार प्रैक्टिस करना होगा आपको, बाकी सब जो है इजीली हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए आपको कंडीशन दिया गया है, ठीक है, और आपसे जो है पूछा जा रहा है कि मतलब कि इसकी वैल्यू जो होगी क्या होगी, मिनिमम वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक है, और इसी कंडीशन के अनुसार जो है इसकी वैल्यू जो है आपको यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार इसको आप अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट सीरीज में आपको इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, जो कि मतलब कि आप इसको इजिली क्वेश्चन, इस टाइप क्वेश्चन को आप इजिली कर सकते हैं। तो ये इसमें थोड़ा सा ट्रिक है, बाकी आप नॉर्मल करके देखिएगा आपका आंसर कितना आ रहा है, तो आप जरूर इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट सीरीज में इसको जो है इंक्लूडेड करेंगे, जहाँ पे कि एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जिसकी माध्यम से आप इस टाइप के क्वेश्चन को आप इजिली कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन है, इसको भी जो है आप जो है इजिली कर सकते हैं। ये आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे एन कोई इंटीजर है, ठीक है, तो आप जो है कौन सा नंबर होगा कि मतलब पूरी तरह से इसको डिविजिबल कर सकता है, ठीक है। तो एन का यदि हम सिंपल कोई एक वैल्यू लेते हैं एन की, जैसे कि इंटीजर वैल्यू 1 ले रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए ये आपका 3 और ये पावर 4 हो जाएगा, और ये आपका 4 और ये आपका 3 × 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका जो है 81 हो जाएगा, और ये देखिएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा, और इनका जब अंतर आप देखिएगा तो ये कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, और इसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि 17 से ही ये डिविजिबल हो सकता है। तो कोई भी एक वैल्यू जो भी आप अच्छा लगे वो वैल्यू आप चेक कर सकते हैं, तो आपको हमेशा लगे ये जो आएगा वो 17 के मल्टीपल में ही आएगा, तभी जो है 17 से ये डिवाइड होगा। कोई भी इंटीजर आप लिखकर चेक कीजिएगा तो ये 17 के मल्टीपल में आएगा, तभी ये डिवाइड हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उसको जो है आप ऑप्शन से बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे हम आपसे, तो यहाँ पे देखिए जो बोला गया है क्वेश्चन में, वो आपको बोला जा रहा है कि मतलब कि जो आपका अंडे का दाम है वो 40% जो है रिड्यूस कर दिया गया है, और 40% रिड्यूस होने की वजह से जो है कोई एक महिला है जो कि आपको 64 मतलब कि अंडे ज्यादा ले ले रही है, तो वो कितने में ले रही है, वो आपका $60 में ले रही है। तो आपको बताना है कि पर दर्जन जो होगा रिड्यूस प्राइस वो कितना होगा। सपोज मैं इसको करने का तो शॉर्टकट तरीका भी है, लेकिन मैं बेसिक तरीका बता रहा हूँ। सपोज 100 रुपये में जो है पहले 1 अंडे खरीदा जाता था, ठीक है, अब 40% रिड्यूस कर दिया गया है, तो ये 60 अंडे जो है आपका मतलब कि 60 रुपये में जो है अंडे कितने खरीदे जा रहे हैं, पहले से 64 ज्यादा खरीदे जा रहे हैं। पहले 1 खरीदे जाते थे, अब आपका 64 ज्यादा खरीदे जा रहे हैं, कितने में, 60 रुपये में, ठीक है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं तो ये आपका 10x और ये आपका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6x हो जाएगा, तो इसको आप माइनस कर दीजिएगा, इधर भेज दीजिएगा तो ये 4x हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे जो है आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आप देखिएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 16 बार में चला जाएगा, ठीक है। और आप जानते हैं कि 16×5=80, 16×6=96 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी, 96 आएगी। पहले जो आपका जो था वो कितना था, 96 अंडे खरीदे जाते थे, ठीक है। अब कितने खरीदे जा रहे हैं ये पूछा, रिड्यूस प्राइस बोला रहा है पर दर्जन। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि यदि अभी जो खरीदे जा रहे हैं वो कितने खरीदे जा रहे हैं, 96 और प्लस आपका 64, ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे आपके, 6×4=10 और 9×6=15, 15×1=16 हो जाएगा, यानी कि अभी जो है 160 अंडे खरीदे जा रहे हैं 60 रुपये में। तो आप यहाँ से अब इजिली निकाल सकते हैं कि जो आप 60 रुपये में जो है कितने अंडे खरीद रहे हैं आप जो है एक, या आप इस तरह से कीजिए कि 160 अंडे जो है आप 60 रुपये में खरीद रहे हैं, ठीक है, या यहाँ पे डॉलर दिया है तो डॉलर लेके चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये
आप यहाँ पे 60 लेके चलिए जो आपका ऑप्शन में दिया गया है, या फिर आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक अंडे की बात करूं तो मैं आपका कितना होगा, 60/160 हो जाएगा। अब चूंकि पर दर्जन की बात की जा रही है, यानी 12 हमको अंडे का निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से 12 अंडे के निकाल देंगे, तो ये आपका 4×16, ये 4×3 12 हो जाएगा। और इसके बाद ये देखिएगा तो कितना, 3×16 और 4×2 हो जाएगा। तो आप इसको कैंसिल आउट कीजिए तो 4×16 बचा कितना, 2×4×5=20, यानी कि $4.5 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये इस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता था कि ओरिजिनल प्राइस कितना होगा, मतलब पर दर्जन के हिसाब से कितना होगा, तो इसी कंसेप्ट से आप निकाल सकते हैं। बाकी इसका शॉर्टकट भी है। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वो पूछा जा रहा है कि मतलब कि ये फैक्टर दिया गया है और इसमें बोला जा रहा है कि वन और इटसेल्फ को यदि एक्सक्लूड कर दिया जाए, यानी हटा दिया जाए, तो नंबर ऑफ फैक्टरों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की जो संख्या होती है वो कितना होती है, आप जानते हैं कि ये जो पावर होता है उसमें एक एक बढ़ा के हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे 5 है तो ये 6 हो जाएगा, 3 है तो 4, और ये आपका 2 है तो 3। तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 24×3 यानी कि 72 हो जाएगा। ठीक है, अब लेकिन दो आपको एक्सक्लूड कर देना है, एक वन को और एक इटसेल्फ को, क्योंकि इसमें क्या है कि टोटल आ जाता है, ये टोटल नंबर ऑफ आपके जो फैक्टर होंगे किसी भी नंबर के वो कितने होंगे, ये आपको देता है, आपको इस तरह से प्राइम फैक्टर के फॉर्म में जो रहता है। अब दो इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो इसमें देखिए डायरेक्ट दिया गया है कि आप किसको किसको एक्सक्लूड करना है, इस पे बेस्ड इवन ऑड का भी कंसेप्ट पूछा जाता है। ठीक है, तो उसको भी जरूर आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, ये पूछा जा रहा है कि आपका जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इतना दिया गया है, देन इट्स रेडियस आपको बताना है कि कितना होगा। तो देखिए आपको मालूम है कि जो हेमिस्फीयर होता है उसका कर्व सरफेस जो एरिया होता है वो कितना होता है, कर्व सरफेस एरिया वो 2πr² होता है। ठीक है, और फूल की बात करें तो 4πr² होता है, ये हेमी है इसलिए इसमें आधा हो जाता है। अब इसके अनुसार जो है आप रेडियस निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू जो दी गई है आपको ऑलरेडी दी गई है कि 32π है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका जो है 16π में जाएगा। r² = कितना हो जाएगा, 16, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 4 हो जाएगी, जो कि आपको आंसर में दिया गया है। तो इस तरह से देखिए ये आपका इस सीरीज का है लास्ट आपका क्वेश्चन है, जो कि आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये 25 क्वेश्चन मैंने आपको कराया, इसी तरह से आपका रीजनिंग का भी ये सीरीज चालू होगा। तो इसमें देखिए थोड़ा फास्ट इसलिए कराया जाता है या कैलकुलेशन वाला आपको दे दिया जाता है, ताकि आप केवल ये समझे कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है और कंसेप्ट क्या है इसमें यूज किया जाए, तो हमारा फास्ट बन सके। बेसिक को कभी मत भूलिए, बेसिक और आपका जो है शॉर्टकट दोनों को आप अप्लाई कीजिए, जहाँ पे मतलब जो आपको इजी लग रहा है वहां से वो मेथड आप मतलब कि कर सकते हैं। तो ये आपका आज का सीरीज रहा, इसी तरह ये कंटिन्यू सीरीज आपके लिए जारी किया जाएगा। तो जो लोग भी नए हैं या जो लोग भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो है पल पल की अपडेट जो है इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे और आपके लिए जो है हेल्पफुल रहे। और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल के बारे में शेयर कीजिए, ताकि जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की प्रयास करेंगे और आपके लिए जो है अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने की प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं, बाय बाय।